वालेकुम। ये यूनिवर्सिटी रोड है जो नई तामीर की गई है और बहुत अच्छा रोड बनाया गया है ये, लेकिन इस रास्ते पे पूरा दिन ट्रैफिक इसी तरह चलता है। ये आप देख रहे हैं इसी स्पीड से ट्रैफिक चल रहा है, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं आ रही है। आप रात को 2 बजे आएंगे तो ज़रूर आएगी स्पीड, बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी, लेकिन इस वक्त शाम के वक्त से लेकर रात तक 10 बजे 10:30 11 बजे तक बल्कि आपको नज़र आ रहा है साइड पे ये पार्किंग भी की हुई है, जैसे पहले था ऐसा ही चल रहा है। ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी हुई है और ट्रैफिक इसी तरह चलता है, फंस फंस के चल रहा है। 20-30 की स्पीड से ज़्यादा हम जा नहीं सकते, जो हमारा 10 मिनट का रास्ता है वो 25 मिनट में तय हो रहा है। उसकी वजह ये है कि हम यहाँ चलते हैं तो लेफ्ट पर हमारे पार्किंग बहुत ज़्यादा है, पार्किंग नो पार्किंग एरिया है, हालांकि फिर भी पार्किंग की सहूलत मयसर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि नया रोड जब बनाया गया तो इसमें सबसे बड़ा मसला यही हुआ है कि 5 कट्स जो गलियों में से निकलते थे वो बंद कर दिए गए, और 10 गलियां हैं लेफ्ट पर, तकरीबन 10 गलियां ही हैं और 5 कट्स थे जिसमें से आप जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाता था, जिसका अपना घर है वो मुड़ जाता था उस रोड पे गली में चले। देखें ये जिस तरह ये बंद कर दिया गया, ये कट बंद कर दिया गया। अब जो इस गली में मुड़ने वाला है बंदा वो आगे तक यूनिवर्सिटी रोड को डिस्टर्ब कर रहा है, और यही वजह है कि यहाँ 18 घंटे तकरीबन ट्रैफिक इसी तरह चलता है, जाम चल रहा है और कोई तवज्जो नहीं है। पहले इससे बेहतर ट्रैफिक चल रहा था रोड जब नहीं बना हुआ था, लेकिन अब रोड बन चुका है, ट्रैफिक रवा दवा होना चाहिए।